हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएससी हेल्प कॉर्नर में। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। यह नोटिफिकेशन 14 नवंबर 2019 को आई है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई है। तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 9 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप लोग, तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। और जो इस परीक्षा दिनांक है वो है 12 जनवरी 2020 रविवार के दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। दोनों ही पेपर सेम डे होंगे, एक ही दिन होंगे। जो पेपर वन है वो 10 बजे से 12 बजे तक है और जो पेपर टू है वो है 2:15 से 4:15 तक। और अब मैं इसकी एज लिमिट बता देता हूँ। जो इसका एज लिमिट है वो है 21 साल से 40 साल तक के लोग भर सकते हैं। और इसकी जो आयु गणना है जो 1 जनवरी 2020 के संदर्भ में की जाएगी। और जो इसमें भरे जाने वाली रिक्तियाँ हैं वो 330 हैं, अलग 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 विभाग से 330 रिक्तियां भरी जाएंगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वो बता देता हूँ आपको, जो आवेदक परीक्षा कोड है वो सावधानी से भरें, क्योंकि जो कोड दिए गए हैं इस बार वो जिस शहर में आप रहते हैं आपको उस शहर का परीक्षा केंद्र चाहिए, तो वो शहर का कोड देखकर भरें। जैसे आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर का कोड क्या 1 है 01, वो कोड डालें तो आपको इंदौर में ही परीक्षा केंद्र कहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, आपको इंदौर में ही मिलेगा कहीं। तो देखकर भरे परीक्षा कोड जो है। और इसका जो आवेदन शुल्क मैं बता देता हूँ आपको, आवेदन शुल्क जो है वो है राज्य सेवा परीक्षा हेतु 750 रुपये, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनके लिए 750 रुपये है, और जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं उनके लिए 1500 रुपये शुल्क रखा गया है। और वन सेवा के लिए 750 रुपये, वन सेवा के लिए भी 750 रुपये है मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए, और जो बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए 1500 रुपये है। और जो ये दोनों भरना चाहते हैं राज्य सेवा और वन सेवा, उनका शुल्क है 1000 रुपये मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए, और जो बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए 2000 रुपये है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, आप जिस दिन आपका वो पेपर रहेगा उस दिन आपको वो एडमिट कार्ड के साथ कुछ पहचान पत्र जैसा आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी है पासबुक फ़ोटो के साथ ले जाएं, और दो फ़ोटो ले जाएं पासपोर्ट साइज़ की। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 10 दिन पूर्व आ जाएंगे इसके जो एडमिट कार्ड हैं। और इसमें बस अभी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप ये जो पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है जो, ये आपको एमपीपीएससी की मेन वेबसाइट से मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। www.mppsc.nic.in से आपको मिल जाएगा, तो जाकर देख लें और अच्छे से देख लें ये जो नोटिफिकेशन है, पढ़ लें अच्छे से और आवेदन जल्द से जल्द कर दें। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।